अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब के हम पिछड़े। जो वक्त मैं आप दोनों के साथ गुजारना चाहती थी वो तो गुजर चुका है, अब बार बार आप मेरे पास आकर मुझे क्यों शर्मिंदा करती है? निकम्मे जरूर आना, मैं तुम्हारा दिल से इंतजार करूंगा। मेरी मौजूदगी से अरुषा का दम घुटने लगा है, और जब से मुझे ये पता चला है मेरी ममता का दम घुटने लगा है। देखो मैं हलाला करने की बात कर रहा हूं, तुम जावेद से निकाह कर लो, और जैसे ही वो तुम्हें तलाक देगा हम दोनों दोबारा से निकाह कर लेंगे। What? Are you mad? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे सोचना पड़ा तमसीर, मैं अरुषा को मरते हुए नहीं देख सकता और ना ही तुमसे दूर रह सकता। और फिर एक बार अरुषा के बारे में सोचो, अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो अरुषा को जिंदगी भर कुछ नहीं पता चलेगा, और हम हमेशा हमेशा उरुषा के साथ रह सकेंगे, उसकी हर खुशी में, उसकी बर्थडेज में, उसकी उसकी शादी में, इन एवरीथिंग। प्लीज तमसी, खुदा के लिए एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, बिल्कुल भी नहीं। तमसील, क्या मुझे उम्र की बात मान लेनी चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू। मेरी ख्वाहिश को अपनी अहमियत बनाने की वजह जान सकता हूँ? पहले आप मेरा हाथ छोड़ के बताओ। अरे ये तो चीटिंग हुई ना यार। नहीं, आपने भी तो चीटिंग से मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने कर ली तो क्या हुआ? आपको बुरा लगा क्या? हाँ, दिल में कुछ और जबां पे कुछ। That's unfair. आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के दिलों का हाल जानते हैं, और कितनी लड़कियां जिनके आप इसी तरह दिलों के हाल जानते? आज तक कोई मिली नहीं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, किसी और को देखने का दिल नहीं चाहता। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो इस पिंक कलर में तुम। हाँ, मैं जानती हूँ कि लड़कियों को उनकी तारीफ पसंद होती है, लेकिन अगर वो दिल से की जाए हो तो। मेरा दिल तो आप ही के पास है, दिल चीर कर देखिए, उसकी हर धड़कन में आप अपना नाम पाएंगे।
मेरी बात मैम, घर में फंक्शन चल रहा है। देखिए ये इस तरह की बातें मैं सुनता रहता हूँ, रुपया मैंने आज लेके जाना है आपसे। चंद दिन तो मांगे ना आप। मैं नहीं दे सकता ना, मेरी कंडीशन भी तो समझने की कोशिश करें। हसन साहब क्या हुआ भाई साहब, क्या बात है, कह रहे तो है सर। ये जो दीन के पैरोकार है ना हसन साहब, 10 लाख रुपया उधार है मेरा इनकी तरफ। आज का वादा किया था, आज वसूली के लिए आया तो सुना बेटी की शादी हो रही है। देखो हसन भाई, पैसा तो मैं आज ही लेके जाऊंगा, नहीं तो खाम खाम में बेटी के ससुराल के सामने आपका तमाशा बन जाएगा। सुख में नहीं दे सकता, मजबूर हूँ, आप चंद दिन की मोहलत दे। मैं नहीं दे सकता, मुश्किल हो जाएगा, पैसा आपको आज ही देना होगा। अरे आप फिक्र मत करें, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, मैं इनका मैटर सॉल्व कर दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे इन्हें, आप टेंशन मत। जावेद बेटा इतनी बड़ी रकम आप क्यों देंगे? अरे इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप जाएं और बेटी का निकाह निपटाएं। आप जाएं अंदर। हेलो यार, मैं कहीं आया हुआ हूँ, तू बता सब खैरियत तो है? तमसील उरूसा आ गई? नहीं। उमर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अब बात करने को बाकी बचा क्या है? सारी जिंदगी तो तुम अपनी मनमानी करती आई, एक बार और सही। पर मेरी बात सुन तो लो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कहो। वो कल जो तुमने बात की ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं जावेद से निकाह करने के लिए तैयार हूं। मैं
मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो बेटा मुंह मीठा करो। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा था तुम्हारे साथ। कॉन्ग्रेट्स बेटा, इतनी रात हो गई है, कैसे जाओगी? मैं किसी से छुड़वा देती। नहीं नहीं आंटी, मैं गाड़ी लाई हूँ और वैसे भी मुझे अकेले ट्रैवल करने की आदत है। अच्छा चलो खैरियत से जाओ और जाके मुझे फोन जरूर कर देना। हाँ ठीक है, बहुत एंजॉय किया मैंने। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहे हो, ये क्या किया तुमने? बस एक मौके की तलाश में इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, इंसान इश्क में पागल तो हो जाता है। आदि तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस रात में कैसे घर जाऊंगी। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि एक जवान जहान लड़की आधी रात को घर कैसे जाएगी। मेरे पास एक आईडिया, बोलो तो मैं बताओ। क्या क्या आईडिया तुम्हारे पास? अगर आप हुक्म करें तो ये नाचीज बंदा आपको घर तक ड्रॉप कर सकता है। तुम ऐसा सोचना भी नहीं क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। तो गदरमा कैसे जाएगी अब रात में? मैं कैब में चली जाऊंगी। कैब कर लोगी? वो देखो रिक्शा खड़ा है, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। रिक्शे में चली जाओगी? लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अच्छा तो फिर किस तरह से जाओगी? अरे उरुसा बेटा आप अभी तक गई नहीं? अंकल ये देखिए, पता नहीं किसी पागल ने मेरी गाड़ी के टायर की हवा निकाल। लेकिन ये शरारत है किसने? पता नहीं है कोई पागल। खैर इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं है। आदि बेटा तुम छोड़ाओ उन सबको। हाँ हाँ बाजी मैं घर तक छोड़ दूंगा, आप जैसा हुक्म करें आप। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा इस तरह कैसे जाओगी तुम? आओ अंदर से चादर ले लो। आओ शाबाश, आ जाओ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
रूसा, कौन था, किसके साथ आई हो? रिदा का भाई। अपनी गाड़ी होते हुए किसी गैर के साथ आने की क्या जरूरत थी? एक गाड़ी दे देने से आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आज से पहले कभी आपको मेरा ख्याल आया कि मैं कब कहाँ जाती हूँ, कब वापस आती हूँ? और आज आपने मुझे एक लड़के के साथ देख लिया तो आपको अपनी और अपनी बेटी की इज्जत याद आ गई? रूसा, अगर किसी मुसीबत में थी तो मुझे भी तो बुला सकती थी। आपके पास टाइम है मेरे लिए? और कभी आपने मुझे एतमाद में लिया कि मैं अगर मैं कभी किसी प्रॉब्लम में हूँ तो आपको बुलाऊं? आप तो मुझ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जैसे आपको मेरा बहुत ख्याल है। प्लीज बाबा, मुझे मेरी जिंदगी में आजाद रहने दें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि रिदा बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मेरे दिल से तो सारे वसवसे निकल गए। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, अंदर से सुकून सा महसूस हो। वैसे एक बात तो बताइए, जिस आदमी से आपने मेरे इलाज के लिए 10 लाख रुपए लिए थे, आज वो तो घर तक पहुंच गया। हाँ, और धमकियां भी दे रहा था कि अगर हमने उसके पैसे वापस ना किए तो निकाह रुकवा देगा वो। हाय अल्लाह, तो फिर क्या किया आपने, कैसे रोका उसे? मैं तो उसको देखकर ही समझ गई थी कि आज कोई तमाशा लगने वाला है, पूरे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं ना तो वो साथ देता है। बेशक, बताइए ना, फिर आपने उसे कैसे मनाया? अरे भाई, वो जो हमारे मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए ना जावेद साहब, उन्होंने मदद की और अलीमा 10 लाख का मामला था, उन्होंने संभाल लिया। बहुत नेक इंसान है। वाकई, ये सब तो आपकी नेकी का सिला है हसन साहब। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह ताला उसकी राहें ऐसे ही हमवार करता है। उसने हमारी परेशानी समझी, आप देखिएगा अल्लाह ताला उसकी परेशानियां कैसे दूर करेगा। इंशाल्लाह। आप कल जाकर उसका शुक्रिया जरूर अदा कर दीजिएगा। और हाँ, ये भी तय कर लीजिएगा कि उसके पैसे कब और कैसे लौटाने। अरे रे, मेरी बहन का निकाह हुआ है, आपने सबको मुबारकबाद दी, लेकिन दुल्हन के भाई को मुबारकबाद देना शायद आप भूल गई है और ऊपर से गुस्सा हो रही है। हाँ, अरे भाई, हमसे कोई नाराजगी है, कोई गुनाह हुआ है? हाँ, तो जिसने गुनाह किया उसे पता होना चाहिए कि उससे क्या गुनाह हुआ है।
मोहब्बत करना अगर गुनाह है तो हाँ हुआ है हमसे गुनाह, और आप भी इस गुनाह में एक ना एक दिन जरूर शामिल होंगी। मुझे अपने दिल पर पूरा भरोसा, ऐसी दूसरों की बातों में आकर बहकने वाली नहीं हूं मैं। बहक तो चुका है उरुसा, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। हाँ अगर तुम मुझसे छुपा रही हो तो वो अलग बात है। अब जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो मैं क्यों कोशिश करूंगी छुपाने की? क्योंकि शायद आपको ये खौफ है कि कहीं हादी आपको धोखा ना दे दे। अपने दिल से ये खौफ निकाल दो रूसा, जिंदगी भर मैं साथ निभाऊंगा तुम्हारा, चाहे एक बार आजमा के देख लो। उरुसा तमसील, तुम्हें पता है कि उरुसा आजकल किसके साथ घूम रही है? क्या मतलब, किसके साथ घूम रही है? रिदा के भाई हादी के साथ। रात निकाह से वापसी पर भी उसी के साथ आई है। क्या हो गया उमर, अब हमारी उरुसा बड़ी हो चुकी है, इसको अपना अच्छा बुरा पता है, और रिदा बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तुम रिदा को जानती हो, मिली हो उससे? कि उसकी फैमिली कैसी है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ जानती हो तुम? उरुसा से ही सुना है रिदा के बारे में, लेकिन आज तक मिली नहीं। तमसील तुम अच्छी तरह जानती हो कि उरुसा बहुत नादान है, वो कितनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाती है। अगर उस लड़के ने उरुसा को ट्रैप कर लिया तो? ओह माय गॉड उमर, क्या हो गया तुमको, आज तुम कुछ ज्यादा ही पोसेसिव नहीं हो रहे हो? तमसील उरुसा सिर्फ हमारी औलाद ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। अच्छा मैं बात करूंगी, समझाऊंगी। अच्छा वो तुम्हारी जावेद से कोई बात हुई? नहीं, कल जाऊंगा मैं उसके पास। तुम्हें भरोसा तो है ना जावेद पर? हाँ उमर, कुछ से ज्यादा। यार जावेद, अब तो तमसील भी निकाह के लिए मान गई, मैं सोच रहा हूं कि परसों ही तुम लोगों का निकाह करवा दूं। जावेद तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अस्सलामुअलैकुम। अरे अस्सलामुअलैकुम, कैसे चेयरमैन साहब? अच्छा इनसे मिले, ये मेरे दोस्त उमर है। अच्छा उमर, शाम को मिलते हैं, मैं घर चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। जी जी बैठिए 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 जी। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं जावेद बेटा, बहुत शुक्रिया। एहसन साहब सब खैरियत है, आपका कैसे आना हुआ? बेटा शुक्रिया अदा करने आया था, उस रात को अगर तुम ना होते तो बहुत गड़बड़ हो जानी थी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मैं ये बताने आया हूं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं पैसे लौटा दूंगा। अरे हसन साहब, इंसान उसी दरख्त में पानी डालता है जिससे उसे फल मिलने की उम्मीद होती है। क्या मतलब? तब मैं समझा नहीं। अगर मैं कहूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि बदले में आपकी मदद की जरूरत है तो? कैसी मदद? मैं जानता हूं हसन साहब कि आपको मेरी बात सुनकर झटका लगेगा,
लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस मामले में आपके अलावा किसी भी भरोसा नहीं कर सकता। साफ साफ बताओ बेटा, कैसी मदद? एहसन साहब, अगर दो मोहब्बत करने वाले एक होना चाहे तो क्या इस काम में हमें उनकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, जायज तरीके से, हलाल तरीके से उनका निकाह पढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एहसन साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है। कैसा मसला? कि इस निकाह से पहले इनका हलाला जरूरी है। हलाला? जी, और मुझे इस हलाला के लिए आप जैसे भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि आप ये हलाला करने में मेरी मदद जरूर करेंगे। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं आप? दो बच्चे हैं मेरे जावेद साहब, और एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। क्या कहेंगे लोग, बच्चों की उम्र में अपनी शादी न चाली। अरे बैठे बैठे मौलवी साहब, आपको शादी करने का थोड़ी कह रहा हूं, आप बैठे। अगर मुझे पता होता कि इन पैसों के बदले में आप मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेंगे तो मैं आपकी मदद कभी ना लेता। वैसे मेरी नजर में ये सौदा बुरा नहीं है संता, और 10 लाख का कर्जा माफ करने के लिए कुछ दिनों की शादी तो करनी होगी, और मेरा ये आपसे वादा है कि आपकी इज्जत पे आंच नहीं आएगी। मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सुबह लास्ट डेट सबमिशन की। क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर? हाँ वैसे भी अगले साल तुम्हें शादी करके दूसरे घर पे चली जाना है, जान छूट जाएगी हमारी तुमसे। इसका मतलब मैं बोझ हूँ आप लोगों पे? अब बस बस, अब ये मेलो ड्रामा करना शुरू मत कर देना तुम। बस कभी गुरूर नहीं किया। गुरूर की बच्ची, तुमसे काम खाता क्या बना उसका? पहले कान छोड़े फिर बताती हूँ। चलो छोड़ दिया, अब बताओ क्या बना मेरे काम का? बात की थी मैंने उषा से। तो क्या कहा उसने? उससे मना कर दिया। मना कर दिया? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे का क्या मतलब? अब आप कोई अली जफर तो है नहीं जो लड़की आपको देख के फ्लैट हो जाए और आपसे मिलने के लिए राजी भी हो जाए। खुशफहमी तो देखो जरा इनकी। अच्छा, अली जफर ना सही, उसकी कॉपी तो कह सकते हैं ना। और वैसे भी क्या बुराई है मुझमें? हाँ टॉल हूँ, हैंडसम हूँ, केयरिंग हूँ, सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करता हूँ। और एक लड़की को मोहब्बत के सिवा और क्या चाहिए होता है? भरोसा, इज्जत। और जब ये दोनों चीजें यकीनी हो जाती है ना तो मोहब्बत तो खुद ब खुद हो ही जाती है भाई। यू मीन टू से रूसा डरती है कि शायद मैं उसे कहीं धोखा ना दे दूं? शायद भाई, आप उसको यकीन दिलाओ कि आप उसका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ोगे, और फिर देखिएगा कि बदले में मोहब्बत मिलती है या नफरत। रुखसाना, पानी पिला दो।
क्या हो गया है मॉम? इस तरह किसी के फोन में नहीं झांकते। ये किसी और का नहीं, मेरी बेटी का फोन है। For God's sake, आप प्लीज मुझे बार बार ये जताना बंद कर दें कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या हो गया अरुषा? तुम पहले तो इतनी रूट नहीं थी, अब क्या हो गया? और तुम्हारे बाबा बता रहे थे कल रात को तुम रिदा के भाई के साथ घर आई थी। क्या हो गया है आप दोनों को? क्यों आप दोनों ने मेरी चौकीदारी शुरू कर दी है? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं उसे जिस तरह भी जीऊं, मैं जहां जाऊं, जिसके साथ जाऊं, none of your business। बेहतर होगा कि आप लोग अपनी लाइफ पर फोकस करें और उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। उरुसा, ये क्या है? मेरे लिए कोर्ट का नोटिस। कितना समझाया था मैंने हसन साहब आपको केस वापस ले ले, लेकिन शायद शराफत की जबान समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी की इज्जत अजीज नहीं है। आप रोज रोज मुझे धमकियां देने चले आते। गलत इंसान का साथ मैं कभी नहीं देता। जब एक बार आपसे कह दिया मैंने कि वो जगह पार्क की है और हर सूरत में वो जगह आपको छोड़नी होगी तो छोड़नी होगी। मेरी एक बात गौर से सुन लें असद साहब, अगर आज की तारीख में ये केस वापस ना लिया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिस लड़के से आपकी बेटी का निकाह हुआ है ना, उसको और उसकी पूरे खानदान को अच्छे से जान, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपकी बेटी को तलाक दिलवाने। बेहतर यही है कि केस वापस ले ले। और ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग है, 2 घंटे हैं आपके पास, केस को वापस ले, वरना तलाक आपकी बेटी का मुकद्दर बने। क्या बात है भाई, थम गया क्यों? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़े। चलता हूं मैं हसन साहब। जी हसन साहब, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं, मैंने सुनी है उस आदमी की धमकियां। आपकी परेशानी भी जायज है, एक इज्जतदार इंसान की जब इज्जत चली जाए ना तो पसीने तो निकल ही जाते हैं, नहीं? वैसे अगर आप चाहें तो आपकी मैं ये परेशानी भी दूर कर सकता हूं। बस इसके बदले में छोटी सी शर्त माननी होगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं यहां से। जरूरत तो है आपको, बस सही फैसले की देर और इज्जत के साथ साथ बेटी का भी सवाल है। आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। मेरा फोन नंबर 2 होगा ना आपके पास? चलता हूं। मुबारक हो हलीमा बहन, हम निकाह में तो नहीं आ सके तो सोचा कि आज जाके आपको रिदा बेटी की निकाह की मुबारकबाद दे आए। बहुत खुशी हुई, बेटी अपने घर की हो गई। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ भाई, हर माँ की तो यही आरजू होती है कि उसकी बेटी अपने घर में ससुराल में खुश और आबाद रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और बाप चेयरमैन साहब जैसे हो तो क्या ही कहने,
पिछले 25 साल से जानते हैं सब चेयरमैन साहब को इस मोहल्ले में। मजा ले जो कभी किसी ने इनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात कही हो, हर जबान पे तारीफें ही तारीफें हैं। जी जी, एहसन साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें हमेशा दूसरों ही की फिक्र रहती है, बस उनकी कोशिश होती है उनकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। बस बहन, खुदा अपना करम बनाए रखे। हमारी अम्मा कहती थी, इंसान की हर नेकी उसके आमाल को और मजबूत करती है और ज़िंदगी के इम्तिहान को बढ़ा देती है। बिल्कुल सही कहा रफिया बहन आपने। वैसे हलीमा बहन, जुनेद बता रहा था कि एहसन साहब पे 10 लाख उधार हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, लगता है ज़रूर हमारे लड़के को कोई गलत फहमी हुई है। जी जी, आप लोग चाय लीजिए ना। तो लेते, आप भी लें। रिदा बेटा मिठाई लाओ, इन लोगों का मुंह मीठा करूं। मैंने सुनी है उस आदमी की धमकियां। आपकी परेशानी भी जायज है, एक इज्जतदार इंसान की जब इज्जत चली जाए ना तो पसीने तो निकल ही जाते हैं। नहीं, वैसे अगर आप चाहें तो आपकी मैं ये परेशानी भी दूर कर सकता हूं। बस इसके बदले में छोटी सी शर्त माननी होगी। ज़रूरत तो है आपको, बस सही फैसले की दी और इज्जत के साथ साथ बेटी का भी सवाल है। आराम से सोच के जवाब दीजिए। अच्छा हुआ उस आदमी ने आपके पैसे वापस कर दिए, वरना पूरे मोहल्ले में आप हर्जदार मशहूर हो जाते। जिंदगी में पहली दफा हम लोगों ने उधार लिया है और वो भी हमारे गले की हड्डी बन गया। जैसे एक बात है, रिदा की रुखसती में तो अभी पूरा साल है, अभी से हम उसके जहेज के लिए पैसे जमा करेंगे और तो अच्छा सा जहेज बना लेंगे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन आपके चेहरे का रंग तो बहुत उड़ा हुआ है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ी सी घबराहट हो रही है, ठीक हो जाए। जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहा ना ठीक हूँ मैं, बस तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। कहा ना जाओ तुम, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़। अरे यार जावेद, तू पागल हो गया है? मुझसे बगैर पूछे तू एहसन साहब से इतनी बड़ी बात कर कैसे सकता है? जावेद तू जानता है ना कि मैं तेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, और तुम एहसन साहब से तमसील के निकाह की बात करके आ रहा है। अरे कैसे कर सकता है तू मुझ पे भरोसा? तमसील भी जवान है, मैं भी जवान हूं। अल्लाह करे कि अगर मेरी नीयत बदल जाए तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं तुझे? यार देख, मैं तेरे से दोस्ती खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं हर तरह से तेरी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन देख, मैं तमसील से निकाह नहीं कर सकता हूं। यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं फरवा से बे इंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकता हूं। यार जावेद, मैं तमसील को तेरे से निकाह करने पर राजी कर चुका हूं, अब तू कह रहा है कि मैं जाके उससे कहूं कि अब वो एहसन से निकाह कर ले। देख बात तो करनी पड़ेगी ना उमर, और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास। और अगर तू चाहता है कि तमसील तेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो ये तो करना पड़ेगा ना।
यार मैं कैसे उस पर भरोसा कर लूं? कल को वो मुकर गया फिर? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो अपनी बात से कर जाए। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अपनी जबान के पक्के आदमी हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया उन्हें। 10 लाख रुपए के कर्जदार हैं वो मेरे, और वो चाह के बिना मुझे इनकार नहीं कर सकते। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू कहे तो मैं बात करूँ तमसील से। तुझे क्या लगता है तमसील मान जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। यार अगर वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, तो यकीन कर जरूर मान जाएगी। तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? तड़पने दे यार, फिक्र बढ़ेगी तो एहसास होगा कि इज्जत क्या चीज होती है। अगर वो राजी ना हुआ तो तू क्या करेगा? कैसे नहीं होंगे राजी यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जावेद कि तू क्या कर रहा है। देख, ज्यादा जबरदस्ती करने से कहीं कल को तमसील के लिए मुसीबत पैदा ना हो जाए। अगर वो मुकर गया तो हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? यार तू टेंशन ना ले यार, बस बस रूसा के बारे में सोच और सारे मामले बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और तमसील भी मान जाएगी यार। तू प्लीज टेंशन ना ले।